दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं भारत के आखिरी छोर या यूं कहें कि लास्ट लैंड पॉइंट ऑफ इंडिया धनुषकोड़ी में। लेकिन यहां तक पहुंचने का ये सफर इतना आसान भी नहीं था। मैं आपको लिए चलता हूं इन बेहद ही रोमांचक नजारों से कोसों दूर चेन्नई की तरफ, जहां मैं भारत के अंतिम छोर पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंच जाता हूं। चेन्नई से रामेश्वरम तक का ये सफर आखिरकार शुरू हो जाता है और अगले दिन मेरे सुबह की शुरुआत इन अनंतकाल समुद्र के नजारों के साथ होती है, जहां मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन मेनलैंड इंडिया को छोड़ रामेश्वरम आइलैंड पे पहुंच रही है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब भारत के अंतिम छोर पर जाने के लिए मैं ये साइकिल लेकर 25 किलोमीटर तक का ये सफर सुबह 8 बजे ही शुरू कर देता हूँ। चलते चलते मैं पहुंचता हूँ एक पुराने हार्बर पर, जहाँ ये समुद्र की लहरें मेरा पहले से ही इंतजार कर रही होती हैं। बाद में लोगों से मुझे पता चलता है कि 1964 में आए भयंकर सुनामी के दौरान यहाँ पर बसा धनुषकोड़ी गांव बहुत पहले ही तबाह हो चुका है, जिसके कुछ अवशेष मुझे अब भी देखने को मिलते हैं। अपनी साइकिल दोबारा स्टार्ट कर इन बंजर और वीरान भूमि से होते हुए आखिरकार मैं भारत के लास्ट लैंड पॉइंट पे पहुंच ही जाता हूँ, और यहीं से शुरू होता है राम सेतु।